हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दस नई फैमिली। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओके, ये आप लोग देख के सोच रहे होंगे ना कि ये सब क्या हो रहा है। तो मेरे यहाँ फंक्शन है जिसके लिए हम लोग गाँव आए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है और ये भी बोली हूँ कि मंथ के लास्ट में बताऊँगी, तो मैं सोची ये सब आप लोगों के लिए मैं कैप्चर करूँ। ये हमारी कुल देवी है जो मैं आप लोगों को गाँव वाले फर्स्ट ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ। आज गणेश चतुर्थी है तो भगवान जी को प्रसाद चढ़े हुए हैं, तो सोची मैं ले लूँ। और यहाँ खीर बन रहा है भगवान जी के लिए ही। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स करके कि आप लोगों का गणेश चतुर्थी कैसा रहा। हम लोगों का अच्छा ही रहा, बहुत मस्ती किए, बहुत मन लगा, बहुत मज़ा आया। गांव में फ़र्स्ट टाइम हमने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की तो हमें बहुत 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 अच्छा लगा। एंड ये वीडियो बहुत मतलब छोटा ही है। और ये हम लोग मतलब भगवान बजरंगबली को भी मतलब प्रसाद चढ़ाए हुए। एक्चुअली हम लोगों को रामनवमी होता है ना, तो हम लोग मतलब ऐसे ही हम लोगों के यहाँ मतलब बड़े से बैम्बो में कपड़ा पहनाया जाता है। आप लोग को वो होता है रामनवमी, तो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स करके कि आप लोगों को होता है या नहीं। एक्चुअली ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं हो पाया, मुझे बहुत वर्क था, मतलब वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला था। फिर भी मुझे नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करके मुझे बनाना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सब देखने में। तो मैं सोची आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए ज़्यादा तो नहीं हो पाया लेकिन जितना मेरे से हुआ मैंने कैप्चर किया क्योंकि बहुत वर्क था। और ये मतलब ये सब आया हुआ है ना तो बहुत मतलब मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने मस्ती किया। वो अंकल गाना गा रहे थे, पता है वो लड़की लड़का दोनों के आवाज़ में गा रहे थे। एंड टाइसन को देखो, मतलब ये जो बैंड बाजा की आवाज़ से म्यूजिक सब के आवाज़ से इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि बेड के नीचे छुपा हुआ था। इसे जब भी डर लगता है ना बेड के नीचे जाता है, या फिर डांटो भी ना तो बेड के नीचे ही जाएगा, मतलब इसे हैबिट हो गया है। और ये मेरी छोटी दादी है जिसे मैं आप लोगों को मिलवा ही चुकी हूँ। एंड ये पता नहीं कौन है, मैं इन्हें नहीं पहचानती, शायद कोई होगी, आई डोंट नो। ये बड़ी मम्मी आप लोगों को हाय बोल रही है। एंड बुआ, एक्चुअली बुआ रेडी नहीं हुई थी, बोल रही थी मुझे नहीं आना, तो बोल नहीं आप आ जाओ, क्या हो गया, सब घर ही है तो सब नॉर्मल वे में भी रह सकते हैं। और यहाँ पे खीर बन रहा है भगवान जी के लिए। एंड मम्मी देखो बहुत वर्क करती है, बहुत यहाँ पे। और आज तो पूजा था तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे वर्क हो गया था, पूरा पसीना से भींगी हुई है। एंड साड़ी ओ गॉड कैसे कैरी कर लेती है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ खाना पैक हो रहा है उन फैमिली के लिए जो मतलब उतना नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ देखो आधा हो गया, आधा और हो रहा है। और इधर डिब्बे मतलब आधा हो चुके हैं, आधा पैक हो चुके हैं, मतलब आधे में दिए जा रहे हैं, आधे पैक हो गए हैं। सी एंड देखो पूरी है, मिठाइयाँ हैं, सब्जी है। एंड देखो हलवाई इधर खाना बना रहे हैं शेफ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बुनिया और भी उधर बहुत कुछ है। एंड देखो सब आ रहे लेने के लिए। बहुत अच्छा लगा इन लोगों को मतलब दे करके। पता है ये वीडियो मैं विंडो से बनाई हूँ, एक्चुअली बाहर इतना ज़्यादा भीड़ था ना मैं बता नहीं सकती, तो मैं वीडियो से ली हूँ कि नहीं मुझे लेना है। एंड ये चौरचन हो रहा है जिसे आप लोग गणेश चतुर्थी भी कहते हैं और हम लोग इसे चौरचन भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो होंगे नहीं, आपको पता ही है। तो ये मैं मतलब बगल में दादी है उनके यहाँ हो रहा था तो हमने उनके यहाँ से लिया, क्योंकि गांव सब में तो मतलब सब इनवाइट करते हैं मेरे घर आना मेरे घर आना, तो हम लोग दादी के यहाँ ही सेलिब्रेट किए, बहुत मस्ती किए, बड़ा मज़ा आया क्योंकि गाँव में फ़र्स्ट टाइम हमने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया, बहुत इन्जॉय आया। बताना आप लोग कमेंट्स करके कि आप लोगों का गणेश चतुर्थी कैसा रहा। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। जाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों का गणेश चतुर्थी मतलब कैसा रहा। एंड प्लीज़ आप लोग शेयर करो यार, आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हो, प्लीज़ किया करो। बाय।